राजस्थान कांग्रेस का कलह अब दिल्ली तक पहुंच गया है। जयपुर में अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट के अनशन को लेकर आज राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हाईकमान को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे रंधावा पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे और पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट लेंगे, लिखित रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद पायलट के खिलाफ एक्शन पर फैसला होगा। राजस्थान कांग्रेस में घमासान, एक्शन में हाईकमान। कार्रवाई तो कई बार होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, अब वैसा नहीं होगा, अब कार्रवाई होगी। गहलोत पायलट की जंग, कौन किसके संग। मैं राजस्थान देश भर के अंदर जितने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यहाँ छापे डाले हैं, यहाँ 4-5 IAS IPS सहित कितने लोगों को पकड़ा है, हिंदुस्तान में कहीं हुआ ऐसा कहीं। कांग्रेस में करप्शन का द्रोहकाल। करप्शन के खिलाफ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा, हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश में स्वच्छ राजनीति हो। राजस्थान कांग्रेस में करप्शन को लेकर शुरू हुई सियासत अनशन तक जा पहुंची। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने हाईकमान के निर्देशों की अनदेखी की, जिसके बाद अब पायलट पर एक्शन की तैयारी है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर राजस्थान के पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जानकारी दी और आज फिर से सुबह 10:30 बजे राजस्थान के सियासी संकट पर रंधावा खड़गे की मुलाकात होने वाली है। माना जा रहा है कि रंधावा हाईकमान को लिखित रिपोर्ट सौंपेंगे। रंधावा सचिन पायलट पर एक्शन की बात भी कर रहे हैं। पहली बात तो सचिन पायलट जी ने जो मुद्दा उठाया है करप्शन का, मैं उसके साथ सहमत हूँ, उठाने का तरीका गलत है। पूरा जो इनके जो घटनाक्रम वहाँ जयपुर में हुए, आज के नहीं जो पिछले भी हुए, उन सब को मैं इकट्ठा करके उसका एनालिसिस करूँगा कि कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ गलती हमारी है, कहाँ उनकी गलती है, पूरा मैं रिपोर्ट दूंगा। तो देखिए, कार्रवाई तो कई बार होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, अब वैसा नहीं होगा, अब कार्रवाई होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।